के बेटमा में स्थानीय बियाणी गार्डन में भाजपा मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेताओं ने दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शिविर में मंडल के वरिष्ठ जनों ने नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और भाजपा की रीति नीतियों से अवगत कराते हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण के बारे में मीडिया को जानकारी दी। बेटमा का प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ सत्र की शुरुआत मैंने करी है। इसके बाद चार सत्र और होंगे, कल पांच सत्र और इसके बाद कल होंगे और कल 5 बजे इसका समापन होगा। इसमें सभी भिन्न भिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें 10 विषय हैं अलग अलग, उन पर सारे विषयों पर वक्ता आएंगे और वक्ता अपना वक्तव्य देंगे। और प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से रहना, कैसा आचरण करना, ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा। और हमारी पार्टी सन 1951 से लगा करके आज 2020 ख़त्म हो रहा है, 21 चालू होने वाला है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम आज तक हुई, किस तरीके से हमारी पार्टी आगे बढ़ी और किस तरीके से हमारे नेताओं ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना बलिदान दिया, कई लोगों ने सहयोग करके आज इस देश में हमारी सरकार बनी है, इन सब सारी चीज़ों को बताया जाएगा। और उसमें जो हमारी सरकार है वो अंत्योदय का, जो हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय का विचार था कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, जिसके बारे में कभी विचार ही नहीं किया गया, उन वर्ग को आगे बढ़ाने का की योजनाएं बनाना, और उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास है, जनधन खाते हैं, अटल बीमा योजना है, इस तरह की कई योजनाएं हैं। वो आपने देखा अभी कोविड में भी कई योजनाओं का फ़ायदा लोगों को दिया गया और ये सारी चीज़ें बताई गई। गुरु नानक मंडल बेटमा में प्रशिक्षण वर्ग का प्रथम सत्र आयोजित हुआ। अभी इसमें हमारे मार्गदर्शक प्रथम सत्र जो लिया आदरणीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह जी चौधरी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे सत्र की, मोहन सिंह जी कछावा, और हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी और 60-61 लोगों की टीम प्लस जो हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता, सभी लोग इसमें आमंत्रित थे। और सभी इसी के साथ 5 सत्र आज हो रहे हैं, 5 सत्र कल होंगे। ये 10 सत्रों का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण है। इसमें पार्टी में हमें किस प्रकार से काम करना है, कार्यकर्ता का निर्माण और कार्यकर्ता को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना, और वही व्यवस्था रहती है कि जो प्रशिक्षण हो जाता है उसके बाद पार्टी में जो कार्यकर्ता नए आते हैं उनको पार्टी का अनुशासन आज से ही प्राप्त होता है और अनुशासन में ही आगे पार्टी की गतिविधियां चलेगी। इसमें हम पूरा गुरु नानक मंडल के सभी पदाधिकारी आमंत्रित हैं और बाहर से वक्ता 10 सत्र में 10 वक्ता बाहर से आते हैं, जिसमें अभी 1 सत्र हुआ है, 2रा सत्र अब होने वाला है। GSR टाइम्स के लिए बेटमा से निर्मल पेरुलिया की रिपोर्ट।